हेलो गुड इवनिंग. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इन्वेंटरी मैनेजमेंट. आज हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट है क्या. तो व्हाट इज द इन्वेंटरी मैनेजमेंट. इन्वेंटरी मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द ऑर्डिनरी स्टोरिंग यूजिंग सेलिंग कंपनी इन्वेंटरी. दिस इज द इंक्लूडेड ऑल मैनेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट एज वेल वेयर हाउस एंड प्रोसेसिंग ऑफ सच आइटम्स. इन्वेंटरी मैनेजमेंट मतलब होता है कि हमें जो हमारी कंपनी की जो इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी में सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती है जो स्टोर में रखा हुआ है, जो कि हमारा रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस में जो मटेरियल है, जो हमारे कंपोनेंट है, जो हमारे मेंटेनेंस के लिए जो आइटम यूज होते हैं, वो सारी की सारी एक तरह से हमारी इन्वेंटरी है, कंपनी की एक तरह से वो एसेट्स है. उसको मैनेज करना, उसको तरीके से रखना, उसकी कंट्रोलिंग करना, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना, दैट इज ऑल कॉल्ड अ इन्वेंटरी मैनेजमेंट. ये सारा हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट में आता है. हाउ इन्वेंटरी मैनेजमेंट वर्क. इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से काम करता है. जैसे कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी हो गई है, वो ऑर्डर देती है रॉ मटेरियल का ऑर्डर देती है फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए. उसी हिसाब से जो एक प्रोसेस है जो पूरा चलता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रॉ मटेरियल का ऑर्डर देती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिर स्टोर में वेयर हाउस में उसको पहुंचाया जाता है सेल करने के लिए. पूरा एक प्रोसेस है मैनेज करना उस प्रोडक्ट को और ट्रैकिंग रखना. अगर वो प्रोडक्ट हमारे इन ट्रांजिट में है तो उसकी करंट पोजीशन क्या है, पूरा इन्वेंट्री का कंट्रोल रखना ताकि हमें पता रहे कि हमारी जो इन्वेंट्री है अभी किस पोजीशन पे है और उसका स्टेटस क्या है. पूरा जो स्टेटस को रिव्यू करने को हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारा जो होता है कंपनी का क्या होता है, मीट कस्टमर डिमांड एंड इंक्रीजेस सेल. इसमें ये भी इंक्लूड किया जाता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो हमारे कंज्यूमर है उनकी क्या डिमांड है, उनको व्यू करना, उनको चेक करना कि आज के डेट में कंपनी की क्या डिमांड है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की कौन से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जनरेट कर रहा है, उसको रिव्यू करना और उसी हिसाब से अपनी जो है हमारी सेल को इंक्रीज करना. इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द कंट्रोलिंग ऑफ एसेट्स इन द सप्लाई चेन. इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एक सप्लाई चेन के अंडर आती है. Individual working in the supply chain should have at least a basic understanding of the role of costs and benefits of the inventory. Supply chain का एक basic understanding, basic profit है कि हमें उस inventory management के बारे में पूरा समझना पड़ेगा कि inventory management है क्या और इन company की जो inventories है क्या, पूरा review करना पड़ता है. This is certification track of intended to provide the student with an understanding of the basic inventory management and to be enable effective contribution of the organization. Inventory management, जैसे कि यहाँ पे एक दिखा रहा है purchase department, यहाँ पे दिखाया sale department, यहाँ पे है production department, raw material और finished good. ये सारी चीजों को controlling किया जाता है. Stock in होता है, purchasing department क्या होता है, raw material purchase करता है हमारे लिए, packing material purchase करता है, ये सारी हमारी inventory है. Purchasing department stock को in करता है, raw material और component जो भी हमारे प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जो भी हमारे कंपोनेंट लगेंगे, जो भी हमारे रॉ मटेरियल लगेंगे, जो भी हमारे पैकिंग मटेरियल लगेंगे, वो सारे की कंपाइल शीट बना के वो परचेसिंग करता है. यहाँ से वो स्टॉक को जो करता है अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सारे कंपोनेंट को, अपने रॉ मटेरियल हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, सारी चीजों को इंक्लूड करके वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है. यहाँ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सारा स्टॉक को बनाकर फिनिश गुड को, मतलब जो हमारी रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड में तैयार करके उस मटेरियल को यहां से स्टॉकिंग करके वो वेयर हाउस में भेज देता है मार्केटिंग वालों को सेल ऑफ करने के लिए. इसके बाद जो सेल डिपार्टमेंट है वो कस्टमरों को उस प्रोडक्ट को सेल करता है, उसको वो कंज्यूमर तक पहुंचाता है. तो दैट मीन्स ऑल आर इंक्लूडेड ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट. दिस इज अ साइकिल ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट. इन्वेंटरी इज अ फंक्शनल ऑफ द ओवरऑल सप्लाई चेन process of the organization. Inventory is often obtained from the supplier in the form of raw material and other goods, and in material through the procurement department. Inventory also included working process and finished product and manufacturing operations. जितने भी हमारा जो finished product है वो भी हमारी inventory में included होती है. Work in process मतलब होता है जो finished good और raw material के बीच का जो process होता है, जब तक उसको बनाने में जो तैयार किया जाता है उस बीच के टाइम पे वो मटेरियल हमारा वर्किंग प्रोसेस में कराया जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग प्रोसेस मटेरियल. तो ऑल आर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट
ये सारी चीजें हमारे इन्वेंट्री में इंक्लूडेड होती है। की ऑफ एलिमेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूजेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सप्लाई चेन एक्सपोज द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री द टेक्निकल इफेक्टिव मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री लेवल्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फोरकास्टिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री। इस सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री जो है किस किस चीज पे इम्पैक्ट करती है। इन्वेंट्री के बेसिक्स क्या है, इन्वेंट्री है क्या। इन्वेंट्री किसी भी कंपनी में एक रॉ मटेरियल वर्किंग प्रोसेस फिनिश गुड स्पेयर पार्ट्स हो गए पैकिंग मटेरियल अदर ऑपरेटिंग सप्लाईज जो भी हमारी कंपनी में पड़े हैं वो कंपनी की इन्वेंट्री कहलाई जाती है। चाहे वो कंपनी की फर्नीचर से रिलेटेड हो या चेयर टेबल लैपटॉप वगैरह ये सब कंपनी की एक इन्वेंट्री है, एसेट्स है, रॉ मटेरियल हो गया वर्किंग ये हमारा ये प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे फैक्ट्रीज में होते हैं जो हम कंपनी को बनाते हैं प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए हम अपनी कंपनी में तैयार करते हैं। इन्वेंट्री में भी इंक्लूडेड इन्वेंट्री जो है आपको इन चीजों में मतलब फैक्ट्री वेयर हाउस आपको इन्वेंट्री है वो केवल इनमें ही मिलेगा, फैक्ट्रीज में वेयर हाउस में रिटेल स्टोर में जो हमने बेच दिया है वो इन्वेंट्री हमारे रिटेल हाउस में भी पड़ी रहती है। अदर टाइप्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज जहां भी मटेरियल हमारा इंक्लूडेड होगा। इन्वेंट्री के बेसिस आगे है ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री होता है आइडियली एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड हैव सफिशिएंट इन्वेंट्री टू सेटिस्फाई द कस्टमर डिमांड फॉर प्रोसीजर विदाउट लूजिंग द रेवेन्यू ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टॉक। हमें जो है इन्वेंट्री को अपने पास एक बफर स्टॉक एक इन्वेंट्री का एक सेफ्टी स्टॉक जैसे हम बोलते हैं वो रखनी पड़ती है ताकि हम जो कस्टमर की जो डिमांड है वो हम कंप्लीट कर सके उनकी फोरकास्टिंग जो आती है व्यापार जो मार्केटिंग वालों की उसका पूरा रिव्यू करके कि हमने अपने आने वाले टाइम के लिए कितनी इन्वेंट्री हमें चाहिए उसका पूरा एक डाटा तैयार करके हम सप्लाई ये बेसिकली एक हम सारा सप्लाई चेन का होता है कि बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड जो हम मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं और जो कस्टमरों की डिमांड है उसको हम बैलेंस करके चले। तो एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वांट हैव टू मच इन्वेंट्री हैंड बिकॉज द कॉस्ट ऑफ टू मच मनी बोथ ऑफ इक्विटी होल्ड इन्वेंट्री सप्लाई चेन को इसमें बहुत वर्किंग करनी पड़ती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। उन्हें इस तरह से प्रोडक्शन प्लान देना पड़ेगा ताकि उनके पास जो है इन्वेंट्री का जो होल्ड है होल्डिंग इन्वेंट्री ना पड़ी हो ताकि कोई ऐसी इन्वेंट्री ना पड़ी हो हमारे पास जो कि एक साल तक सेल ही नहीं होगी या हम ऐसा कोई प्रोडक्शन ना बनवा दे फैक्ट्री में जिसकी अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं जिसका अभी सीजन ही नहीं है। तो सप्लाई चेन का एक बेसिक रूल है कि मार्केट की डिमांड क्या है आज की डेट में उसको वैल्यूएट करना कि कौन सा प्रोडक्ट किस मंथ में वैल्यूएट होगा कितना स्टॉक हमें अपनी फैक्ट्री में रखना है कितना स्टॉक हमें अपने वेयर हाउस में रखना है कितना स्टॉक हमें अपने डिपो में रखना है वो सारी वैल्यूएशन करना है और टाइम ऑफ शॉर्टेज कि हमें कितने टाइम के अंदर उस मटेरियल को उस कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो ये हो गया आपका जो प्रॉब्लम आती है रीजन ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री हम किसी इन्वेंट्री को कैरी करके काफी देर तक चलते हैं उसकी रीजन क्या है उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है। तो जो हम इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में कैरी कर रहे हैं या जो इन्वेंट्री हमारी फैक्ट्री में पड़ी हुई है काफी टाइम से पड़ी हुई है उसका रीजन क्या क्या है। पुअर डिमांड प्लानिंग पुअर फोरकास्टिंग एंड हाई फोरकास्टिंग एरर इसका सबसे मेजर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुअर फोरकास्टिंग जो मार्केट के जो हमारे मार्केटिंग के जो हेड है या जो मार्केटिंग जो प्लानिंग आ रही है वो हमारे पास पुअर आ रही है उनकी जो डिमांडिंग है वो एक्यूरेट नहीं है जो डाटा हमारे पास मार्केट से आ रहा है वो एक्यूरेट नहीं है जिस हिसाब से हमारी जो प्लानिंग होती है वो गलत होती है। पुअर फोरकास्टिंग दैट मीन्स की प्लानिंग सही से नहीं कर रखी है जो उन्होंने जो उनकी रिक्वायरमेंट जून जुलाई की होगी वो रिक्वायरमेंट वो अप्रैल में दे रहे हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट अप्रैल में चल रहे हैं प्रोडक्ट है वो जून में दे रहे हैं तो दैट मीन्स द पुअर सेल फोरकास्टिंग या फिर ओवर फोरकास्टिंग या हाई फोरकास्टिंग की मटेरियल जाना है 100 लीटर का लेकिन उन्होंने अपने सेल फोरकास्ट में डाल दिया 1000 लीटर दैट मीन्स जो 900 लीटर होगा वो हमारी क्या हो जाएगी वो हमारी हाई फोरकास्टिंग हो जाएगी हमारी जो प्रोडक्शन होगी उतनी क्वांटिटी हाई हो जाएगी तो दैट मीन्स हमारी जो सेल फोरकास्टिंग पुअर होने की वजह से हम क्या होते हैं कैरी करते हैं किसी इन्वेंट्री को काफी लंबे टाइम तक। प्रोडक्ट थेफ्ट हो गया ये तो दूसरा रीजन हो गया कि कोई प्रोडक्ट हमारा चोरी हो गया या कुछ जो भी रीजन है। पुअर सप्लाई परफॉर्मेंस इनकरेक्ट लीड टाइम लेट डिलीवरी एंड पुअर क्वालिटी या फिर हमारा दूसरा रीजन है कि हम जो सप्लाई की परफॉर्मेंस पुअर है या फिर जो जो लीड टाइम है वो हमारा ज्यादा है या कस्टमर का ज्यादा है लेट डिलीवरी पहुंच रही है मटेरियल उनके पास या पुअर क्वालिटी है। पुअर प्रोडक्शन दैट रिक्वायर्ड द ग्रेटर इनपुट फॉर द डिजायर्ड आउटपुट पुअर प्रोडक्शन लेके चल सकते हैं कि जो मार्केट की डिमांड है
लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको कंपाइल तक कंप्लीट नहीं कर पा रहा है. दैट ऑल्सो इज अ कैरिंग इन्वेंट्री इशू. पुअर और नॉन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री प्लानिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम, कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है उसकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल पुअर कर रखी है हमने. हम उसकी ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे, हमारा ट्रैकिंग सिस्टम ठीक नहीं है कि हमारी कौन सी इन्वेंट्री कब चलेगी. उसका सिस्टम जो है हमारी कंपनी में सही तरीके से नहीं चल रहा है. पुअर इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम दैट द रिड्यूस द स्टॉक एक्यूरेसी. पुअर इन्वेंट्री अकाउंटिंग मतलब कि जो हम इन्वेंट्री की जो काउंटिंग कर रहे हैं वो पुअर है. हम जो सेल फोरकास्टिंग की जो काउंटिंग कर रहे हैं वो पुअर है. दैट मीन्स ऑल्सो रिड्यूस द स्टॉक एक्यूरेसी. जो हमें स्टॉक की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, जिससे हमें क्या होगा, या तो ओवर स्टॉक हो जाएगा हमारा या तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा. ये दोनों प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी इसमें. लार्ज क्वांटिटी परचेज टू ऑब्टेन द लोअर यूनिट प्राइस दैट आर द आउटवेटेड हायर कैरिंग कॉस्ट. दैट मींस कि हमने कोई प्रोडक्ट है जो हमारा लो मतलब लो कॉस्ट का है वो हमने हाई क्वांटिटी परचेज कर लिया. ये तो लो कॉस्ट का प्रोडक्ट है, इसको हम हायर परचेज कर लेते हैं ताकि ये आगे भी चलता रहेगा. तो इससे हमें क्या नुकसान होगा, हमें उस इन्वेंट्री को रखने के लिए काफी स्पेस रखना पड़ेगा, काफी स्पेस लेना पड़ेगा, जिससे हमें वो भी बहुत बड़ा लॉस होगा. फंक्शनल टाइप ऑफ इन्वेंट्री. हमारी जो इन्वेंट्री के कौन कौन से फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री हैव यूनिक फंक्शन पर्पस एंड मे बी मैनेज डिफिकल्टी डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द वेयर द इन्वेंट्री इज हेल्ड एंड इट इज द रोल ऑफ सप्लाई चेन. हर एक जो इन्वेंट्री होती है उसका जो जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो अलग होती है. तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री दिखाई गई है जिसकी आपके बारे में भी बताएंगे. फर्स्ट है साइकिल स्टॉक, इन प्रोसेस स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन, एमआरओ इन्वेंट्री, सीजनल स्टॉक, प्रमोशनल स्टॉक और ये सेपरेटेड स्टॉक. ये सारी इन्वेंट्री हमारी फंक्शनल इन्वेंट्री में आती है. सबसे पहला है साइकिल इन्वेंट्री, साइकिल स्टॉक. साइकिल स्टॉक इज द अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री दैट इज प्लान्ड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड. द पीरियड इज ऑफ्टन डिफाइंड एज ए टाइम ऑफ बिटवीन ऑर्डर्स फॉर रॉ मटेरियल और द टाइम बिटवीन द प्रोडक्शन साइकिल फॉर द वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड. द बेस्ट वे इज डिटरमाइंड साइकिल गुड गुड ड्राइवर द बेस्ट ऑफ फोरकास्ट. साइकिल फोरकास्ट जो होता है एक तरह से साइकिल की तरह चलता है, जिसकी डिमांडिंग हमें पता होती है. जो सेल फोरकास्ट चल रहा है वो हमने जो बनाया है किस मंथ पीरियड के लिए बनाया गया है, दैट मीन द साइकिल फोरकास्ट. दूसरा होता है इन प्रोसेस स्टॉक. इन प्रोसेस में वो स्टॉक हो जाता है जो WIP में आ जाता है, जो हमारे मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड के बीच में जो प्रोसेस होता है उसको हम WPI बोलते हैं. तो दूसरा स्टॉक हो जाता है WPI स्टॉक वाला हमारा, WIP जो वर्क इन प्रोसेस. सेफ्टी स्टॉक दैट मीन्स ऑल्सो इज बफर स्टॉक, हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी द सप्लाई चेन. दिस इज द अनसर्टेन इंक्लूडेड क्रॉनिक सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग डिलेज, चांसेस इन डिमांड रेट, इन द रेट ऑफ डिमांड फॉर द स्टॉक दैट कैन वेरी ओवर टाइम एंड द वेरियंसेस इज द लीड टाइम लेंथ. सेफ्टी स्टॉक होता है जो एक हर कंपनी अपनी सेफ्टी के लिए बचा के रखती है. आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता. अगर पहले ही ये हम डीमो एनालाइज करते हैं कि यार इस प्रोडक्ट के टेक्निकल के रेट बढ़ने वाले आने वाले टाइम पे, तो हम पहले से ही सेफ्टी स्टॉक अपने पास रख लेते ताकि आने वाले टाइम में हम उस प्रोडक्ट की सप्लाई पुराने रेट में दे सके या फिर हम अपना मार्जिन रख के उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतरवा सके. दैट मीन्स द सेफ्टी स्टॉक की, या फिर आउट ऑफ स्टॉक ना हो हमारा स्टॉक, उसके लिए भी हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं ताकि एकदम से कभी मार्केट में डिमांड बढ़ जाए और हमारे पास स्टॉक ही ना हो तो फिर हम क्या कस्टमर को देंगे. दैट मीन्स द सेफ्टी स्टॉक की हम अपने पास कुछ स्टॉक को रखे ताकि. ये हो गया सेफ्टी स्टॉक का. सीजनल स्टॉक, जो ऐसे स्टॉक जो केवल सीजनल वाइज होते हैं, जो केवल सीजन में ही चलते हैं. कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो 12 मंथ मतलब 12 के 12 मंथ में हमारे चलते हैं. कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं. तो स्टॉक हैड इन एडवांस ऑफ द सीजनल व्हेन द फर्म एक्सपेक्टेड टू सेल. इंडस्ट्री दैट टिपिकल रिक्वायर्ड सिग्निफिकेशन सीजनल स्टॉक इंक्लूडेड द अप्रैल सपोर्टिंग गुड्स एंड स्पेशली हॉलीडे. सीजनल स्टॉक की वर्किंग हमें पहले ही कर लेनी चाहिए कि अब जैसे कि J&K स्टेट जम्मू में एप्पल्स का सीजन स्टार्ट होता है तो उसकी प्लानिंग हमें पता है कि एप्पल का सीजन है वो इस स्टेट में इतने मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, उसी हिसाब से हम उसकी प्लानिंग करना पहले स्टार्ट कर दें. जिन प्रोडक्ट की प्लानिंग आप पहले कर सकते हैं जो सीजनल बेसिस है उसकी हमें प्लानिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए. जो सर्टेन नहीं है, जो मतलब किसी चीज पे बेस नहीं है, जो सीजनल है उस प्लानिंग को सर्टेन करना. प्रमोशनल स्टॉक, स्टॉक हैड टू रिस्पॉन्स क्विक टू मार्केट प्रमोशन और प्राइसिंग एक्टिविटी
a firm plan to offer a customer including holiday promotion. That means a promotional shop हो गया जो हम अपनी marketing के लिए use करते हैं. कैलेंडर हो गया, डायरी हो गया, इन सब में हमारा प्रमोशनल स्टॉक सारे इसमें इंक्लूडेड होता है. दूसरा है सर्कुलेटेड स्टॉक, मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विद द कंपनीज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरर्स असेंबली. दिस टाइप ऑफ इन्वेंट्री इज हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड एंड पॉसिबल प्राइस इनक्रीज ऑफ. इसका मतलब होता है कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जिसका आपको आइडिया हो चुका है इन फ्यूचर में ये प्रोडक्ट हमें टेक्निकल नहीं मिलेगा, या फिर आपको ये अनुमान लग जाता है मार्केट से कि इस टेक्निकल के रेट जो है आने वाले टाइम में और बढ़ेंगे, तो उसका एक स्टॉक अपने पास पहले से ही रख लेना, एज ए सेफ्टी स्टॉक रख लेना कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक की शॉर्टेज होगी या प्राइस हाई होंगे, तो उस हिसाब से उस स्टॉक को अपने पास उसका स्टॉक कंपाइल करना. दैट इज फंक्शन टाइप में एक आता है मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन MRO इन्वेंटरी पार्ट एंड मटेरियल दैट एग्जिस्टिंग प्राइमरी इन द इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मच. ये जो मटेरियल होता है, ये जो इन्वेंट्री होती है केवल प्लांट में होती है जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड होती है. सेफ्टी स्टॉक हो गया, सेफ आपकी सेफ ये जो एक तरह के इक्विपमेंट होते हैं हमारे लेबर के लिए, सेफ्टी के लिए, रिलायबल के लिए, ऑप्टिमेट अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन पर्पज, सर्विस पार्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, की पीसेज ऑफ द इक्विपमेंट कंटिन्यू टू फंक्शन इक्वालिटी. ये सारा चीज जो होते हैं MRO में सारे मेंटेनेंस के जो आइटम हो गए उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होगी जो मेंटेनेंस से रिलेटेड होगी, जो कि हमें ऑपरेशन के लिए जरूरत होगी, प्रोडक्शन के लिए जैसे मशीन्स वगैरह होगी, ये सारी हमारी मेंटेनेंस आइटम में आ जाती है. टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री के टाइप्स ऑफ क्या है, डायरेक्ट इन्वेंट्री दैट इज इनडायरेक्ट इन्वेंट्री. डायरेक्ट इन्वेंट्री में आ जाता है प्रोडक्शन में जो हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, फिनिश गुड में जो हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वर्किंग प्रोसेस में जो हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और मिसलेनियस इन्वेंट्री और MRO इन्वेंट्रीज. इनडायरेक्ट में आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारी इन्वेंट्री ट्रांसपोर्ट जो हम मटेरियल डिस्पैच करते हैं उसके बीच के जो फैक्ट्री से अपने वेयर हाउस में जो हम मटेरियल डिस्पैच करते हैं उसके बीच में जो ट्रांसपोर्ट के टाइम तो जब तक वो इन्वेंट्री पड़ी है वो भी हमारी इन्वेंट्री ही है, तो वो इनडायरेक्ट इन्वेंट्री होगी क्योंकि वो हमारे वेयर हाउस में नहीं है. बफर इन्वेंट्री, लॉट साइज इन्वेंट्री, सीजन इन्वेंट्री, डिकपलिंग इन्वेंट्री, ये सारी हमारे टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज है. मैनेजिंग इन्वेंट्री, आप इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करें. द सेंट्रल गोल ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑप्टिमाइज द लेवल ऑफ द इन्वेंट्री सो देयर इज द राइट अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री इज प्लेस द मेड टू कस्टमर नीड वेल इंश्योरिंग द कंपनी इज नॉट ओवर वेस्टिंग इन इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मैनेजमेंट दैट मीन्स आप इन्वेंट्री को इस तरह से मैनेज करें कि आपको जब किसी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट हो या मार्केट से किसी चीज की डिमांड आए तो आप उसको जो है सही क्विकली उसको आप कंप्लीटली कर पाए मार्केट की डिमांड को. तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आ जाता है आपका डिमांड प्लानिंग, डिसाइडिंग हाउ मच इन्वेंट्री टू होल्ड. पहले तो डिमांड प्लानिंग आ गई पूरे मार्केट से डिमांड की, उनकी कंपनी की जो कस्टमर की डिमांड कितनी है वो एनालाइज करना. उसके बाद हमें कितनी इन्वेंट्री अपने गोडाउन में होल्ड करनी है, अपनी फैक्ट्री में कितना होल्ड करना है, अपने वेयर हाउस में कितनी स्टॉक हमें रखना है. दिस आल्सो कॉल्ड एज सेफ्टी स्टॉक. काउंटिंग इन्वेंट्री की हमें अपनी इन्वेंट्री को काउंट करना चाहिए कि कितना आउट हो रहा है कितना इन हो रहा है. डेली बेसिस में ये हमें वैल्यूएशन करनी चाहिए कि हमारे डिपो में कितना स्टॉक आ रहा है, कितना हमने आज सेल करा, कितना हमारे पास रिसीव हुआ. डेली बेसिस में काउंटिंग करना, ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का कंट्रोल करना जब आप अपने वेयर हाउस से अपनी इन्वेंट्री को डिस्पैच कर रहे हो और जब तक वो डिलीवरी पॉइंट में पहुंच ना जाए तब तक उस इन्वेंट्री की पूरी ट्रैकिंग करना और कंट्रोलिंग करना पूरी इन्वेंट्री की. अब आपको आ जाएगा डिमांड प्लानिंग. डिमांड प्लानिंग इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग. डिमांड प्लानिंग में आ जाता है सप्लाई चेन का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज फोरकास्टिंग जो हम मार्केट से कलेक्ट करते हैं. प्रिडिक्टिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंश्योर दैट दे कैन बी डिलीवर्ड एट सेटिस्फाइड द कस्टमर. द गोल इज द स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन हैविंग सफिशियंट इन्वेंट्री लेवल टू मीट द कस्टमर नीड विदाउट हैविंग ए सरप्लस. इन्वेंट्री मैनेज डिमांडिंग प्लानिंग में ऐसी डिमांड इस तरह की डिमांड का वैल्यूएशन करना चाहिए. फ्यूचर प्लानिंग इस तरह से करनी चाहिए कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेंट्री की उसका सरप्लस ना बचे, कि वो सीजन खत्म होने के बाद हमारे पास ओवर स्टॉकिंग बच गई या फिर स्टॉक आउट हो चुका है. पूरी उस तरह से उसकी स्टॉक की प्लानिंग करना, सफिशियंट स्टॉक हो उसको सेल आउट करने के लिए पूरा प्लानिंग में ये आगे डिमांड प्लानिंग, डिमांड फोरकास्टिंग,
प्रोडक्शन शेड्यूल और परचेजिंग शेड्यूल। डिमांड प्लानिंग के अंदर आ गया बेटर फोरकास्टिंग और इंक्रीज होती है प्रोफिटेबिलिटी, लोअर इन्वेंटरी और कस्टमर रिटेंशन आ गया इसमें सारा। डिसाइडिंग हाउ मच इन्वेंट्री टू होल्ड, रेटाइजिंग द इन्वेंट्री इज डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक इंडस्ट्री। रिटेलर्स मे बी वॉन्ट वन और टू मंथ सप्लाई ऑन हैंड, वाइल द फूड बिजनेस बाय वॉन्ट हैव मच लेस इन्वेंट्री बिकॉज दे आर प्रोडक्ट लिमिटेड सेल्फ लाइफ स्पेशली फ्रेश फूड एंड मिनिमाइज द लॉस ऑफ स्पॉइलिंग। हाउ मच इन्वेंट्री होल्ड, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कौन सी इन्वेंट्री होल्ड कर सकते हैं। जैसे कोई फूड कंपनी है, फ्रेश मटेरियल बेचना है उनको, तो वो ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकती, उन्हें अपनी फोरकास्टिंग बेटर करनी पड़ेगी ताकि उन्हें पता रहे। जैसे कि कोई वेजिटेबल की स्टोर है, उनको उतनी ही इन्वेंट्री स्टोर करनी है जो दो दिन तक उसका पूरा सेल आउट हो जाए, क्योंकि तीसरे दिन तक जो उसकी इन्वेंट्री होगी वो सेलेबल कंडीशन में नहीं होगी या फिर वो यूजेबल भी नहीं होगी। तो उस प्लांट को अपने या उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको जो अपनी फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी केवल दो दिन की करनी पड़ेगी, अपनी डिमांड की जो वैल्यूएशन है वो दो दिन की करनी पड़ेगी। उसी हिसाब से वो अपना जो स्टॉक है वो मेंटेन कर पाएगा, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कर पाएगा पूरी तरह से। कंपनी केयरिंग मेंटेनेंस पेयर्स में भी कैरिंग इन्वेंट्री फॉर द मंथ और ईयर अंटिल डिमांड अराइज। सर्वल टूल टेक्निकल एंड स्ट्रेटजीज फॉर द डिटरमाइन हाउ मच इन्वेंट्री टू होल्ड। जो कंपनियां बनाती है टूल्स वगैरह, आयरन से रिलेटेड आइटम जो मेंटेनेंस से रिलेटेड होती है, वो अपनी इन्वेंट्री दो महीने भी होल्ड कर सकती है और एक साल भी होल्ड कर सकती है क्योंकि उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो वो अपनी इन्वेंट्री को जो होल्ड करेगी वो लॉन्ग टाइम तक वो होल्ड करके रख सकती है क्योंकि उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जिन प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है उन कंपनी को बेसिकली अपनी इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक टाइम के बाद उनकी जो इन्वेंट्री होती है वो जीरो के बराबर होती है। तो इसीलिए उनको जो है इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, कंट्रोलिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। डिसाइडिंग हाउ मच इन्वेंट्री टू होल्ड, वो डिसाइड करना पड़ता है कि हमें अपने पास कितनी इन्वेंट्री होल्ड करनी है। काउंटिंग इन्वेंट्री फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल पर्पस इट इज नेसेसरी टू कंपेयर द ऑन होल्ड लेवल विद द इन्वेंट्री रिकॉर्ड बाय परफॉर्मिंग ए फिजिकल काउंट ऑल टाइम। काउंटिंग इन्वेंट्री में होता है कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करें इन्वेंट्री का, जो आपके पास मॉर्निंग में जो स्टॉक रिसीव हुआ है। जैसे आपके पास मॉर्निंग में कोई प्रोडक्ट 100 लीटर रिसीव हुआ है, पूरे दिन में आपने उसको 50 लीटर सेल करा, आप शाम के टाइम ये चेक करेंगे कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री होल्ड हो चुकी है, 50 हुई है, कितनी बची है। बेसिकली 50 बचेगी, लेकिन क्या पता आपके लेबरों ने वो आइटम 55 आपके ट्रक में चला के भेज दिया है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 लीटर की शॉर्टेज हो जाएगी। इसीलिए आपको अपनी इन्वेंट्री की कंट्रोलिंग करना, तो काउंटिंग जो है आपको डेली बेसिस में करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री काउंट आर यूजुअली डन एदर द काउंटिंग द एंटायर इन्वेंट्री एट द टाइम ऑफ नो नाउ द फिजिकली इन्वेंट्री आर बाय काउंटिंग द वेरियंट टाइम्स ऑफ प्रोसीडर बेसिक एंड बाय द कॉल्ड साइकिल काउंटिंग। साइकिल तरह से आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी फिजिकल इन्वेंट्री की। मैनेज करना पड़ेगा अपनी इन्वेंट्री को, बैच वाइज कर सकते हो, जिनका स्टॉक बैच वाइज है बैच वाइज करेगा, बैच वाइज इन्वेंट्री को कैलकुलेट करके वो अपनी इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करेगा। ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वेंट्री, वंस द कंपनी हैज एक्यूरेट इन्वेंट्री सुटेबल द ट्रैकिंग एंड कंट्रोल द मेथड मस्ट बी इंप्लीमेंटेड। एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री इज एस्टैब्लिशिंग द इंश्योरिंग द वेयर द इन्वेंट्री इज द सप्लाई चेन, हाउ मच इन्वेंट्री इज मूविंग इन द एंड आउट द कंपनी एंड हाउ मच इन्वेंट्री इज बीइंग हेल्ड एट वन पॉइंट ऑफ इन टाइम। आप एक टाइम पे जब इन्वेंट्री करोगे तब आप सारी सेल और परचेज रोक दोगे ताकि एक टाइम पर चेक करो कि आपके पास जो पूरे मंथ जो इन्वेंट्री आई है कितने मंथ पे आपने सेल आउट करा है, कितना आपका सेल्स रिटर्न आया, पूरी इन्वेंट्री को कंट्रोल करके आपके पास क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा है, पूरा एक फिजिकल वेरिफिकेशन करना पूरी इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री कंट्रोल इन्वॉल्व काउंटिंग एंड मॉनिटरिंग इन्वेंट्री, रिकॉर्डिंग द स्टॉकिंग डिटेल ऑफ द आइटम, आइडेंटिफाई द वेरिफिकेशन स्टोरेज लोकेशन, रिकॉर्डिंग चेंजेस एंड इन्वेंट्री द इन्वेंट्री नीड्स। मैनेजिंग इन्वेंट्री हो गया, जिस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को आप अपने वेयर हाउस को स्टॉक को रखो, कि जैसे कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एक्सपायरी जिसे आपके प्रोडक्ट की एक्सपायरी की डेट के अकॉर्डिंग आप मटेरियल मतलब पैक करते हो, तो आप पीको मेथड अपनाए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो मटेरियल है आपका पहले जो आया है वो पहले ही आउट हो आपके गोडाउन से, उसी हिसाब से आप अपने गोडाउन को इन्वेंट्री रखें ताकि जो नियर एक्सपायरी है वो अपने आप सबसे फ्रंट पे रखे, जो आपका लॉन्ग एक्सपायरी है उसको बैक में रखे, ताकि जो आप
मटेरियल जो डिस्पैच करो उसी हिसाब से करो और बैच वाइज आप स्टॉक को डिस्पैच करें। इन्वेंटरी मैनेजमेंट कंट्रोलिंग एम्प्लॉय की जो टास्क एम्प्लॉय के क्या टास्क है उसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट पर्सनल क्लासिफाई लेबल एंड मेंटेन द इन्वेंटरी कीप द एक्यूरेट इन्वेंटरी रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द लोकेशन ऑफ इन्वेंटरी फॉर इजी लोकेशन वाइज इन्वेंटरी को इंप्रूव किया जाए। जो सेलेबल स्टॉक है उनकी लोकेशन एक अलग डिसाइड किया जाए, अनसेलेबल स्टॉक है उसकी लोकेशन एक अलग बनाई जाए। जिन प्रोडक्ट में आपको कंप्लेंट्स वगैरह आई है उनकी जो है लोकेशन अलग रखी जाए। जो आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नियर एक्सपायरी हो चुके हैं उनकी जो लोकेशन है अलग रखी जाए, जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं उनकी लोकेशन अलग रखी जाए, ताकि सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का ये सबसे बड़ा काम है कि वो जो इन्वेंट्री को वेयर हाउस को उसी हिसाब से डिवाइड करे जिस हिसाब से आपकी इन्वेंट्री बैठती है। मैनेजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन कंटिन्यू इन्वेंट्री लोकेशन लेवल टू डिपेंडेंट मैनेजर एंड कीप द रिकॉर्ड टू इन्वेंट्री डिस्पोजल ऑफ ट्रांसफर सिस्टम हेल्प रिड्यूस द ब्रेक ऑफ डैमेज एंड ऑब्सोलीट। इन्वेंट्री कंट्रोल पर्सनल मे बी आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग इनकमिंग इन्वेंट्री परचेजिंग एंड आउटगोइंग इन्वेंट्री टाइप्स एंड क्वांटिटी इज द शिपिंग एंड रिसीविंग डिपार्टमेंट। जो रिसीवर डिपार्टमेंट है शिपिंग डिपार्टमेंट है उनको पूरा इन्वेंट्री का कंट्रोल रखना पड़ेगा कि आपके पास क्या आ रहा है क्या जा रहा है। इन्वेंट्री कंट्रोल का पूरा मैनेजमेंट इसी हिसाब से होगा अगर आप पूरी इन्वेंट्री को मैनेज करते हो। कंपनीज आल्सो रिक्वायर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट टू हेल्प इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंट्री। फिजिकल वेरिफिकेशन आपको डेली बेसिस करना पड़ेगा कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। थ्रो स्टॉक काउंट इन्वेंट्री कंट्रोल एम्प्लॉय मस्ट रिकॉग्नाइज इन्वेंट्री रिकॉर्ड विद फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री ऑन हैंड दिस अकर्ड एदर वंस ए ईयर एंड व्हेन द स्टॉक फिजिकल काउंटेड एंड कंपेयर्ड इन्वेंट्री रिकॉर्डेड ऑन द ऑनगोइंग बेसिस यूजिंग द साइकिल काउंटिंग। आज हमने आपको बताया इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।